जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसको कह सकता हूँ। तो आप इसे प्लीज जरूर ध्यानपूर्वक देखें, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको एक बार जरूर ध्यान से देख लेना, आपको आपके एग्जाम में यहाँ से काफी अधिक फायदा मिलेगा। और फ्रेंड्स, बात करूँ तो इस वीडियो में हम राजस्थान के जो लास्ट 6 मंथ के सारे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इसका, क्योंकि 6 मंथ के करंट अफेयर को एक वीडियो में प्रोवाइड करना आसान नहीं है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है। तो इससे संबंधित मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा और जल्द बनाऊंगा, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो जब भी मैं अपलोड करूँ तो साथ में उनको देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जयपुर की किस धरोहर को 2019 के लिए भेजा गया है? तो ये भेजा गया है जयपुर के परकोटे को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन एक दो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि हाल ही में करवाए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश की पहली रोटी बैंक कहाँ खोली गई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। 15 अगस्त 2018 को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें कि इस बार के जो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह हुए वो हुए जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया 23 अगस्त 2018 को। ठीक है, और कहाँ किए गए? तो जयपुर में किए गए, ये तो सभी को पता है क्योंकि मैंने काफ़ी अधिक बार आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर 2018 को प्रदान किए गए, किन्हें किए गए? ये किए गए इमरान खान और सुमन जाखड़ को। इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए, इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रदेश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादित करने वाला थर्मल पावर प्लांट है वो है छबड़ा, सेकंड नंबर इसका सही आंसर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये 12 जिले में स्थित है। विश्व की 100 सबसे प्रभावी डिजिटल हस्तियों में शामिल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वसुंधरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वसुंधरा राज्य को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है? ई रत्न ऑफ द ईयर, ई गवर्नेंस पर्सन ऑफ द ईयर और चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। तो तीनों के तीनों अवार्ड इस बार वसुंधरा राज्य को मिले हैं, तो उपयुक्त ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 4 नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के ट्राइफेड द्वारा 21 अगस्त 2018 को आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया जयपुर जिले में। राजस्थान के जयपुर के कौन से व्यक्ति 36 वर्ष के अंतराल के पश्चात पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल से रिहाई होने के बाद 2018 में भारत लौटे? तो ये हैं गजानन शर्मा। ठीक है, तो ये इनका संबंध है राजस्थान के जयपुर से, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गौरव यात्रा से संबंधित, कि राजस्थान गौरव यात्रा का 4 अगस्त 2018 को शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया 4 भुजाजी का मंदिर राजसमंद से। क्लिक योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कंप्यूटर शिक्षा से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का राजस्थान में विसर्जन कहाँ कहाँ किया गया? पुष्कर में किया गया, बनेश्वर धाम में भी किया गया और चंबल नदी में भी किया गया, उपरोक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा दूध योजना में बच्चों को दूध, जो स्कूलों में दूध कितने दिन तक पिलाया जाता है? तो ये पिलाया जाता है 6 दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। एशियाई खेल 2018 में राजस्थान के कौन से खिलाड़ी को पदक नहीं मिला है? तो ये है खलील अहमद। ओम प्रकाश जी को मिला हुआ है, मालिनी पाठक को भी मिला है और जितेंद्र सिंह भाटे को भी मिला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एशियाई खेल 2018 में अपूर्वी चंदेला को कौन सा पदक मिला है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी राजस्थान के एक दो एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखें। अपूर्वी चंदेला को जो मिला है वो मिला है कांस्य पदक। शायद ये जो क्वेश्चन है LDC के एग्जाम में पूछा गया था कि अपूर्वी चंदेला को एशियाई खेलों में कौन सा पदक मिला है, तो कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके नाम से ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि इनको मिला है रजत पदक। शालिनी पाठक और मनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कबड्डी से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से असंगत को ढूंढना है, इन दोनों का मैंने पहले आपको बता दिया है कि ओम प्रकाश का संबंध है नौकायन, जितेंद्र सिंह भाटी का घुड़सवारी, अब ये 2 यहाँ पर नए दे रखे हैं, तो राजूलाल चौधरी कबड्डी सही है। दीपक हुड्डा का तो सभी को पता ही है कि इनका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है, निशानेबाजी गलत है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया, किन्हें प्रदान किया गया? देखते हैं,
ग्राम्य वन सुरक्षा समिति खातीखेड़ा का बाड़िया वन नाका, एकलिंग पूरा रेंज रावत भाटा चित्तौड़गढ़, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है श्री कल्पतरु संस्थान जयपुर, ये भी सही है। नेक्स्ट दे रखा है गोविंद शर्मा, ये भी सही है कोटा, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृता देवी विष्णोही स्मृति पुरस्कार 2017 किन्हें प्रदान किया गया, तो ऊपर हमने देखा है 2016 वाला और यहाँ पर 2017, ये हाल ही में प्रदान किए गए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका जरूर ध्यान रखें आप। तो जो 2017 का अमृता देवी विष्णु स्मृति पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर रागिनी शाह बांसवाड़ा और प्रकाश चंद्र शर्मा करौली को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। भारतीय T20 टीम में खेलने वाले राजस्थान के पहले क्रिकेटर कौन है, तो ये है दीपक चहार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 सितंबर 2018 को सीनियर वर्ग में मथुरा दास माथुर अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया, तो यह किया गया अमित गौतम को, इसका जरूर ध्यान रखें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 69वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 28 अगस्त 2018 को कहां पर मनाया गया, तो यह मनाया गया बीड़ रावली जामडोली जयपुर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 69वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अगस्त 2018 को देश में सर्वाधिक कितने तेल क्षेत्र राजस्थान में आवंटित हुए हैं, तो ये हुए हैं 11, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले राजस्थान के 7वें क्रिकेटर कौन है, तो ये है खलील अहमद, कौन है खलील अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया, तो ये किया गया 16 अगस्त 2018 को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहां पर है, यह है उदयपुर जिले में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 अगस्त 2018 को छबड़ा सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट की कौन सी इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया है, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 5वीं इकाई का, तो मैं ऊपर ही आपको बता चुका हूँ छबड़ा जो सुपर थर्मल पावर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर है, ये है बारा जिले में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2017 हेतु राजस्थानी भाषा हेतु केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा किसे पुरस्कृत किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह संबंधित है केंद्रीय साहित्य अकादमी से और इन्होंने राजस्थानी भाषा हेतु दिया है यह पुरस्कार नीरज दैया को। ठीक है, और नीरज दैया को इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो यह दिया गया है बिना हासिल पाई पुस्तक के, तो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन दे रखा है बिना हासिल पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है नीरज दैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान की पहली लॉयन सवारी, लॉयन सफारी शुरू कहाँ की गई, तो ये की गई नाहरगढ़ जयपुर में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो ये देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान में खोला गया है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा मदर मिल्क बैंक बन गया है, राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, राजस्थान में 5 लाख मोर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4th गलत है, बाकी तीनों करेक्ट हैं, तो इन तीनों कथनों का आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में कोई भी आए तो आपको आंसर आना चाहिए। ई सखी योजना का संबंध है, तो ई सखी योजना का संबंध है डिजिटल साक्षरता से। 25 से लगाकर 27 जुलाई 2018 को 4th राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर 1st इसका सही आंसर है बीकानेर में। दीपक उप्रेती आरपीएससी के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, तो ये हैं 32वें नंबर के अध्यक्ष। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2018 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ इसका आंसर जो करंट अफेयर के वीडियो में उसमें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2nd नोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्नपूर्णा दूध योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, 2 जुलाई 2018 से इसका शुभारंभ हुआ, 1 से लगाकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को 150 ml और 6 से लगाकर 8 कक्षा के बच्चों को 200 ml दूध पिलाना, तो तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है, तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, महिपाल सिंह भाटी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है, तो ये जो तीन दे रखे तीन खिलाड़ी, इन तीनों खिलाड़ी का संबंध है निशानेबाजी से। ठीक है, ये इन खिलाड़ी के नाम देखते हैं, अब नाम क्या है, मानवादित्य राठौड़, अनंतजीत सिंह नारुका और ये है मानिनी मानिनी कौशिक, ठीक है कौशिक, तो
तो इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, अगर पहली बार सुना है तो डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। राजस्थान हज मित्र ऐप कब लॉन्च की गई? ये की गई थी 4 जुलाई 2018 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरा पुरस्कार 2018-19 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया सवाई सिंह शेखावत को। निज कवि धातु बचाई मैंने पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं सवाई सिंह शेखावत, ठीक है। और कई कई एग्जाम में मतलब सॉरी कई कई बुकों में ऐसा दे रखा है निज सॉरी धातु बचाई मैंने, इतना ही दे रखा है, निज कवि नहीं दे रखा है। तो ध्यान रखें आप, कुछ भी आए तो आंसर क्या होना चाहिए? सवाई सिंह शेखावत। और इन्हें ही इस बार का जो ये मेरा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नेपियर एक किस्म है, किसकी किस्म है? यह है घास की किस्म। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत गांव विद्युतीकृत है? 100%। सितंबर 2018 में शिल्प गुरु अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया, किन्हें किया गया? तो अर्जुन प्रजापति को किया गया, बाबूलाल मरोठा को भी किया गया और गोपाल सैनी को भी किया गया। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। सितंबर 2018 में राजस्थान में पहली बार डायनासोर की मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं श्रीपुरा गांव रावतभाटा चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 सितंबर 2018 को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया तिलक गीताई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है खलील अहमद का संबंध किस जिले से है? तो खलील अहमद का संबंध है टोंक जिले से। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। सितंबर 2018 में किस राजस्थानी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया राठौड़ रवि को, ठीक है, रवि राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रवि राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो रवि राठौड़ का संबंध है पोलो खेल से। देश में निर्मित हाविट्जर तोप के 9 वज्र T की क्षमता का जो परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें कि इसका जो परीक्षण किया गया ये किया गया पोखरण जैसलमेर से हाविट्जर तोप का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उमर फारूक का संबंध है, उमर फारूक का संबंध है संगीत से। हिंदी में फ्री ईमेल आईडी की सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, इस सेवा का नाम क्या है? इस सेवा का नाम है राजमेल। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, जरूर ध्यान रखें। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार में राशि दी जाती है, तो इसमें राशि दी जाती है 51,000 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। राजस्थान बजट 2018-19 के अनुसार राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जयपुर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अनास बांध निर्माण योजना का संबंध है किस जिले से? तो इसका संबंध है बांसवाड़ा जिले से। काफी अधिक स्टूडेंट बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गरदड़ा वृहद पेयजल जो परियोजना है उसका संबंध किस जिले से? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है बूंदी जिले से। राजस्थान बजट 2018-19 के अनुसार द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड यहां पर थोड़ा कट हो रहा है, ठीक है, तो एक मिनट में पॉज करके देखता हूं। यहां पर दे रखा है एंटी इंसर्जेंसी, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई जयपुर में। एक बार वापस बता देता हूँ कि द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी, ठीक है, एंटी इंसर्जेंसी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो जयपुर में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टेररिज्म को मतलब टेररिज्म से सुरक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, टेररिज्म को काउंटर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सकल घरेलू जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में कितना रहा? तो ये रहा था ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है 6,41,940 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि स्थिर कीमतों पर 2017-18 में कितनी रही थी? तो इसका भी आंसर है फोर्थ नंबर ऑप्शन 7.16%। और ये क्वेश्चन इस बार के जो आरएस के एग्जाम हुए थे वहां पर पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर ध्यान रखें
कि जो ये आर्थिक वृद्धि दर रही है स्थिर कीमतों पर 2017-18 की, वो है कितने प्रतिशत? 7.116%। वर्ष 2017-18 में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर ये है 76,146 रुपये। ठीक है, जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये हो गया। ओम प्रकाश गल्लो का संबंध किससे है? तो ओम प्रकाश गावल का संबंध है टेराकोटा कला से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें, इसका संबंध है टेराकोटा कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो सघन मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संबंध है टीकाकरण से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कितने चरण शुरू हो चुके हैं? तो इसके जो चरण शुरू हो चुके हाल ही में हुआ था चौथा, तो चार चरण शुरू हो चुके हैं, तीन चरण कंप्लीट भी हो चुके हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कितने चरण संपन्न हो चुके हैं, तो तीन संपन्न हो चुके हैं, और वर्तमान में कौन सा चल रहा है? तो फोर्थवा चल रहा है। और कब शुरू हुआ था? तो 3 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम में बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जयपुर, जोधपुर और उसके बाद में अलवर। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम संख्या वाला पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, बीकानेर। और ये क्वेश्चन इस बार आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन भी इस बार के आरएस एग्जाम में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 75.1%। ठीक है, और जो बच जाता है 100 में से वो होगी जो शहरी जनसंख्या, यानी 24.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति कौन सी है? तो ये है मीणा। ठीक है, और इस जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दूसरी जनजाति का बोल रहा है, तो दूसरी जनजाति है भील। ठीक है, पहली है मीणा, सेकंड है भील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये करंट के नहीं है, थोड़े पुराने क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर। अब वापस करंट करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन कौन से हैं? ये क्वेश्चन इस बार के एलडीसी एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें, ये है संरक्षित वन, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 55.64%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये है IFAD के द्वारा वित्त पोषित, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। जयपुर मेट्रो रेल किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये वित्त पोषित है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 12 सितंबर 2018 को राज्य के किस जिला कलेक्टर को नरेगा में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गौरव गोयल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में किस न्यायाधीश ने अगस्त 2018 में, अगस्त का ये करंट अफेयर है, अगस्त 2018 में ओडिशा के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येंद्र झवेरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगस्त 2018 में कोटा विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीलिमा सिंह को। 25 जुलाई 2018 को राजस्थान विधिक सेवा समिति जोधपुर का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आपको इस क्वेश्चन से इतना ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान विधिक सेवा समिति कहाँ है, तो जोधपुर, और इसकी गठन किनके अध्यक्षता में किया गया? तो यह किया गया, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, जस्टिस संगीत राज लोढ़ा की अध्यक्षता में। 15 जून 2018 को राज्य के किस व्यक्ति को अमेरिका में लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है डॉक्टर महेंद्र जैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 28 जून 2018 को जर्मनी में, जर्मनी के शोल में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप निशानेबाजी में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के निशानेबाज कौन है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, यह है दिव्यांश पवार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ISSF की यहाँ पर दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म में मैं बता देता हूँ आपको, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो इसका भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जून 2018 में राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो ये चुना गया है जनार्दन सिंह गहलोत को, इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 23 अगस्त 2018 को जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। राजस्थान में सितंबर माह को किस रूप में मनाया गया? तो सितंबर माह को मनाया गया पोषण माह के रूप में। पोखरण में हेलिना का परीक्षण किया गया, यह क्या है? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें। जो हेलिना है यह है एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 अगस्त 2018 को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेशन स्वच्छता पर तीसरे पक्ष की सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2018 जारी की। इसके अनुसार A1 श्रेणी के स्टेशनों में देश का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे स्वच्छ है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जोधपुर रेलवे स्टेशन। अजमेर स्थित चिश्ती दरगाह के रखरखाव हेतु दरगाह कमेटी ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जरूर ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर है वह है हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 मई 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजस्थान आगमन पर किन योजनाओं का लॉन्च किया गया, किन योजनाओं को? तो अंत्योदय स्वरोजगार योजना और कर्ज माफी योजना को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 91 प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2 जुलाई 2018 से मध्यान्ह भोजन के साथ किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो यह किया गया अन्नपूर्णा दूध योजना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो राज्य के किस शहर में क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी केंद्र खोलेंगे? तो यह खोलेंगे जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निःशुल्क राज्य, जो निःशुल्क उच्च शिक्षा योजना है उसके संबंध में गलत कथन कौन सा है? उक्त योजना संबंधी आदेश राज्यपाल कल्याण सिंह ने 30 जुलाई 2018 को किया, कथन सही है। यह योजना के तहत शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है योजना के तहत 10वीं तथा 12वीं में न्यूनतम 70% अंक पाने वाले विद्यार्थियों को सत्र 18-19 के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है वो 60% दे रखा है, नॉट की 70% कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट कथन दे रखा है योजना का लाभ ऐसे विद्यार्थी ले सकेंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है, तो ये कथन भी करेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रदेश के पहले आर्किड फेस्टिवल का आयोजन 27 से लगाकर 28 और 29 जुलाई 2018 कहां पर किया गया? तो यह किया गया सज्जनगढ़ बॉटनिकल पार्क उदयपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है, और ये क्वेश्चन एक दो एग्जाम में पूछा गया है जो राजस्थान में हाल ही में आयोजित करवाए गए हैं आर्किड फेस्टिवल। ठीक है, फर्स्ट राजस्थान का ये फर्स्ट आर्किड जो फेस्टिवल हुआ है वो हुआ है सज्जनगढ़ बॉटनिकल पार्क उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लुधाड़ा ए रक्षित वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है जहां लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने के प्रस्ताव को जून 2018 में अनुमोदित किया गया है? तो ये है पाली जिले में स्थित,
सेकंड नंबर ऑप्शन सही आंसर है। उदयपुर का वह चर्चित स्थल जहां मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल की पनोरमा का उद्घाटन मुख्यमंत्री राजा वसुंधरा राजे ने 10 अगस्त 2018 को किया, वो स्थान कौन सा है? वो है मठाठा। और काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखना। जो बप्पा रावल थे वो थे मेवाड़ के संस्थापक राजा, ठीक है, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 10 अगस्त को इनकी पनोरमा का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कथनों पर विचार करना है कि मदद से सही कथन चुनना है कि मदनलाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेशाध्यक्ष 29 जून को बनाया गया था 2018 में। मदनलाल सैनी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद है। सेकंड नंबर कथन गलत है। और थर्ड नंबर दे रखा है, मदनलाल सैनी झुंझुनू के गुड्डा जो कि उदयपुर वाटी के विधायक रह चुके हैं। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है। और जो ये मदनलाल सैनी है वर्तमान में, इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के, यह लोकसभा सांसद नहीं है, इनका संबंध है राज्यसभा से, ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने राजस्थान विधानसभा की गृह समिति का वर्ष 2018-19 के लिए सभापति किसे नियुक्त किया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें। इसका आंसर है प्रताप सिंह सिंघवी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में मई 2018 में आयोजित कार्यक्रम में विश्व में भारतीय कला का नाम रोशन करने व व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए सम्मानित महेश राज सोनी का संबंध किस जिले, जो किस कला से है? तो ये है थेवा कला से। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नाथु सिंह सोनी को थेवा कला का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 69वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बीड रावली जामडोली में 28 अगस्त 2018 को निम्न में से किसके तत्वावधान में आयोजित किया गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जो डी ऑप्शन है, सॉरी फोर्थ नंबर, राजस्थान वन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफी ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये 69वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है ये कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है जामडोली जयपुर में, इसका जरूर ध्यान रखना आप, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इतना डीप में पूछने की संभावना कम है, ठीक है, तो फिर भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जयपुर में नायला में राज्य का तीसरा होम्योपैथी कॉलेज किस नाम से खोलने जाने की भारत सरकार ने जो अनुमति प्रदान की है? तो ये की है श्री विनायक शोध एवं परीक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जयपुर, ये हो गया जयपुर वाला, जोहान्सबर्ग में 4 से लगाकर 5 जुलाई 2018 को संपन्न ब्रिक्स देशों के व्यापार एवं उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सी आर चौधरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह हिंदू राजस्थानी, वापस देखते हैं, वह हिंदू राजस्थानी पुष्करणा ब्राह्मण नेता कौन है जो पाकिस्तान में पहले हिंदू सांसद बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है थर्ड नंबर ऑप्शन, महेश कुमार मलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए बस। भारतीय सेना का वह युद्धाभ्यास जो कि 23 मई 2018 को राजस्थान के सूरतगढ़ के निकट महाजन फील्ड फायरिंग में संपन्न हुआ, उसका क्या नाम है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बोल सकता हूं, और इसका नाम है गांधी विजय। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए चालू राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विलय के पश्चात इसका नाम क्या किया गया है? तो इसका नाम किया गया है समग्र शिक्षा अभियान। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 105 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लास्ट 6 मंथ से, जो कि राजस्थान का करंट अफेयर है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर ध्यान में रखें, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी अधिक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम
लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर देखेंगे जो कि राजस्थान से रिलेटेड होंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।